got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby. तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं भाई काजा, और भाई मतलब मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रॉब्लम ये हो गई है कि भाई मेरा जो GoPro है उसका SD कार्ड यार एरर दिखा रहा है और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं कुछ शूट नहीं कर सकता, उससे दिमाग ख़राब हो रखा है। मैं अभी इस टाइम डिप्रेशन में चले गए, तो मेरा मूड ख़राब हो गया ना कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और बाकी हम काजा में आ चुके हैं और यहाँ के कुछ मोनेस्ट्री वगैरह है जो देखेंगे हम लोग, फुल एक्सप्लोर करेंगे इधर को। और एक बुद्ध जी की मूर्ति है वहाँ सबसे ऊपर टॉप पे, तो उधर हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं। वैसे पैदल जाने का रास्ता है, काफ़ी ऊँचाई पे है, वहाँ जाके आप लोगों को अच्छे व्यू दूंगा, अच्छे सिनेमैटिक मिलेंगे, ठीक है जी। और बाकी हमारे दानिश भाई वगैरह पेट्रोल वेट्रोल भरवा रहे हैं यहीं पर, इंडियन ऑयल का अपना एक पेट्रोल पम्प भी है, ठीक है जी, काजम ही। तो आप लोग यहाँ पे आके सब चीज़ जान सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ अच्छे अच्छे रूम है, मॉनेस्ट्री भी बहुत अच्छी अच्छी है। तो बाकी वहाँ पे हम लोग जाने वाले वो सबसे टॉप पे है, मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ एक बार जूम करके। ये है भाई बुद्ध जी की मूर्ति एक यहाँ पे, तो इसको देखेंगे, फुल एक्सप्लोर करेंगे जाके, अच्छे सिनेमैटिक होंगे। पैदल पैदल की यात्रा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है ऊपर चढ़ने में। जैसे है तो ऊपर ज़्यादा ही, लेकिन मतलब इस मेरे का कह सकते हैं, देखते हैं बाकी आगे पता लगेगा कैसे कैसे नहीं। बाकी वो पैटर्न करा के आ रहे हैं, फिर निकलते हैं ऊपर के लिए, ठीक है जी। और फुल एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ पे, मॉनेस्ट्री वगैरह आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है जी। फुल मॉनेस्ट्री वगैरह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इससे पहले ये है कि भाई मेरा जो GoPro की SD कार्ड पे जो एरर हो गया है उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। आप लोगों को ये ब्लॉग देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं रिकॉर्ड ज़रूर कर ले रहा हूँ यहाँ पे भी, पर आप लोगों को मिल जाएगा तो अच्छी बात है यार। ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि यार अब तो वो अपनी दिल्ली में जाके ही उसका एक समाधान निकलेगा, जो भाई रिकवर वगैरह करेंगे अपनी SD कार्ड को। यार बहुत मेहनत करी यार रिकॉर्ड करने में, कसम से दिमाग बिल्कुल ख़राब है इस टाइम। बाकी जा रहे ऊपर, देखते कैसा रहता है कैसे नहीं, ठीक है। फुल वीडियो को इन्जॉय करो। सो दोस्तों हम आ गए भाई ऊपर, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी मतलब गाड़ी अपनी पार्क कर दी है, काफ़ी लोग यहाँ पे पार्क भी होती है। और बाकी यहाँ पे कुछ मॉनेस्ट्री है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। और यहाँ पे शादी ब्याह भी हो रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, भीड़ भड़क्का बहुत है वैसे नीचे की साइड में। और बाकी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाने का भाई रास्ता ही है सारा, ये देखो भाई ऐसे कुछ रास्तों से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और देखते हैं कितनी देर में ऊपर पहुँचते हैं। बाकी अभी टाइम हो रहा है करीब 12:30, ठीक है जी। और बाकी अपनी फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है अभी इस टाइम, और सामने का व्यू देखो भाई, पहाड़ वहाड़ कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल रेता मिट्टी वाला पहाड़ है एकदम, ठीक है जी। और ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, हमारे दानिश भाई और सोहेल भाई ऊपर पहुंच चुके हैं, और काफ़ी सही है, लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, टूरिस्ट प्लेसर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और बुद्ध जी की मूर्ति हमारी वहाँ टॉप पे है, वहाँ उस ऊपर, ठीक है जी। और लद्दाख फ्लैग वगैरह से कुछ ज़्यादा ही रौनक आ रखे हैं यहाँ पे, वो भी अच्छा लग रहा है बहुत, ठीक है। और वहाँ पहुँचते, ठीक है, वहाँ का ही आप लोगों को मैं व्यू देता हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर आए हैं, और सांस फूल रही है, ब्लॉक करते करते ना सांस भी बहुत फूल रही है, और रास्ता कुछ ऐसा है यार, ठीक है जी। आप कभी आते हो तो मतलब ऐसा रास्ता है, देखो यही पैदल वाला रास्ता है, और zigzag रास्ता जा रहा है ऊपर को, ठीक है जी। और काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग आ भी गए, और टॉप पे वहाँ पे ही पहुँच के फिर दिखाते हैं आप लोगों को व्यू, अच्छा, ठीक है जी। मेरा मूड बस यहीं ख़राब हो गया है कि मेरा GoPro नहीं चल रहा यार, यहीं मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये नहीं पता मुझे कि आप लोग ये ब्लॉग देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, अगर दिल्ली में जाके भाई वो रिकवर हो जाती मेरी सारी वीडियो, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, ठीक है जी। बाकी ब्लॉग शूट कर ही रहा हूँ, और कुछ ऐसा रास्ता है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए बुद्ध जी की मूर्ति के पास बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5 से 6 मिनट लगे, और 200-250 मीटर के आसपास है zigzag रास्ता है बस। और थोड़ा कुछ ऐसा है यहाँ पे, लद्दाख फ्लैग वगैरह कुछ ऐसे लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो। बस मैं तो यही दुआ करूँगा मेरा ये ब्लॉग डल जाए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है इस वजह से। बाकी मैं आपको एक अच्छा सिनेमैटिक व्यू देता हूँ यहाँ का, और काफ़ी ऊँचाई पे है बुद्ध जी की अपनी मूर्ति, और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और है, ठीक है जी। ये रास्ता है थोड़ा सा, ठीक है, और ये है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। और बाकी ऊपर चलते थोड़ा और, ठीक है जी।
काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ की, ऐसा लग रहा है पैसे वसूल है और कुछ रास्ता भी ऐसा है, चढ़ा ही जा रहा है वैसे तो। और ये है भाई बुद्धा जी की मूर्ति, ठीक है जी। और आपको मैं व्यू देता हूँ थोड़ा सिनेमैटिक व्यू, ठीक है। ओ भाई ये है टॉप एकदम, हवा भी इतनी तेज चल रही है कि गर्मी की पूरे पूरे चांस है खराब खराब है। ये देखो भाई ये है भाई ऊपर टॉप से व्यू, ठीक है जी। हर बार का और कुछ ऐसा लग रहा है, ये देखो ठीक है। और यहाँ ऊपर का व्यू कैसे दूँ क्योंकि यहाँ तो ज़रा सा स्पेस भी नहीं है जो कि हम लोग व्यू दे पाए ऊपर का, यहाँ से देना पड़ेगा लग रहा है। ये पहाड़ी पहाड़ है और यहाँ से व्यू देना पड़ेगा, ये ऊपर मूर्ति है। बाकी तो ये वो ड्रोन वाला शॉट वाला काम हो गया क्योंकि ड्रोन शॉट पे व्यू देखने जाएगा नहीं यहाँ पे जगह बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल ही जगह नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँगा जिससे ये पूरी मूर्ति अपनी आ जाएगी। फ्रंट का तो मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी, सामने जगह नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल जगह नहीं है। और कुछ ऐसा है भाई यहाँ का व्यू, ये देखो। ओहो टॉप पे आने के बाद कुछ ऐसा है, ये पूरा पूरा काजा है स्पीति वैली, ठीक है जी। वहाँ पे नीचे लिखा पड़ा था आई लव स्पीति, पता नहीं आ गया होगा व्यू में नहीं आया होगा, कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ के ही रहने वाले हैं, ठीक है जी। और बहुत अच्छा लग रहा है वैसे टॉप पे आने के बाद, लेकिन फ्रंट का व्यू नहीं आ पा रहा, थोड़ा थोड़ा पीछे हो गया हम लोग। ये देखते हैं जरा, ये है भाई यहाँ पे बुद्धा जी की मूर्ति, समझो इस तरीके से लगाई गई जिसमें कि भाई सिर्फ ड्रोन शॉट ही है यहाँ पे, इसको गिरने के चांस है। और बच्चे भी देखो कैसे कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल देखो। ये देखो लास्ट है भाई यहाँ पे, ज़रा सी जगह नहीं है कि मतलब यहाँ का फ्रंट आए, बिल्कुल ही नहीं आ सकता। ड्रोन शॉट चाहिए था इसके लिए। बाकी नीचे की मॉन्स्ट्री देखो कितनी अच्छी लग रही है ये वाली। और कुछ ऐसे पूरा पूरा भाई जो ये स्पीति वैली है जो अपना एक काजा है, बहुत ही जानदार है, मज़ा आ गया क्या बात है। चलो देखते आगे के लिए, थोड़ा सा और देखते हैं कहीं से व्यू आ पाता है। बाकी इधर देखते हैं यहाँ से कोई डर नहीं करूँगा बता रहा नीचे नहीं करूँगा। और कुछ ऐसा है भाई ये देखो, ठीक है जी। अच्छा लगा बहुत यहाँ आने में, और बहुत बढ़िया लगा। सोहेल भाई हमारे चक्कर चक्कर मार रहे हैं, तो सोहेल भाई कैसा लग रहा है यहाँ आगे? बस हमारे को फ्रंट व्यू नहीं मिल पा रहा क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है ना बिल्कुल, बिल्कुल लास्ट है। दानिश भाई ऊपर का व्यू तो आ नहीं पा रहा फ्रंट व्यू, ये चीज़ की आज मिस हो रहा है कि हमें ड्रोन होना चाहिए था हमारे ड्रोन के अंदर, इसके लिए फुल ड्रोन कैमरा चाहिए क्योंकि यार वो व्यू नहीं ले पाएगा कोई। सिर्फ यहाँ पे अगर कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो या कोई भी हो, वो यहाँ पे सिर्फ ड्रोन शॉट से ही यहाँ पे 360 व्यू दे पाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे भाई ना 360 ना ड्रोन शॉट कुछ नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी सुविधा अवेलेबल अभी नहीं है। आप लोग प्यार दोगे तो ज़रूर एक दिन इसका व्यू भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जिसमें कि वो भाई अपनी बाइक राइड होगी, ठीक है। और कुछ ऐसा मुझे लगता है दानिश भाई ऊपर चढ़ के थोड़ा सा व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी जाता हूँ, ऐसी थोड़ा सा पॉइंट मिल गया है। ये चलते हैं हम लोग पहाड़ पे ऊपर की साइड, ठीक है जी। और ये दानिश भाई ने अच्छा दिमाग लगाया शायद, बढ़िया है भाई। ये चढ़ गया मैं कुछ पहाड़ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत तो यार व्यू देना ही पड़ेगा, इतनी ऊपर आए हैं तो हम लोग। मैं तो बिल्कुल ही टॉप पर जा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा वेट करो आप लोग, ठीक है। ये भाई मैं पहुँचने वाला हूँ, ओह माय गॉड अब तो कुछ ज़्यादा ही टॉप पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ का व्यू कैसा ऐसा, और ये और भी ज़्यादा व्यू और तगड़ा हो गया, बस फिसल ना जाऊँ। बाकी हवा भी तेज है, ये है भाई व्यू यहाँ का, देख लो भाई। फ्रंट का नहीं मिल पाएगा क्योंकि भाई हम पे ड्रोन शॉट नहीं है, और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी हालत ख़राब हो रही है, पैर दिखता है, मिट्टी वाला पहाड़ है पूरा। और यहाँ से बिल्कुल भाई टॉप का व्यू भाई, ये है व्यू, पत्थर को पकड़ ले तो भाई ये व्यू है भाई टॉप का, क्या बात है, मज़ा आ गया सच में। यहाँ आके अब महसूस होता है कि हमने कुछ अच्छा ही एडवेंचर करा है, दिल खुश हो गया। अब यहाँ से उतरते हैं भाई और चलते आगे के लिए, देखते हैं यहीं कैंपिंग वगैरह करेंगे या फिर क्या करेंगे कहानी। अब आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा, सांस भी फुल्ली पहुँच जाता,
बाकी कुछ फोटो वोटो क्लिक कराते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छे अच्छे रील और फुटेज आप लोगों को देखने को, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगता है। आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे पता नहीं पहाड़ पे बंदों ने कैसे मतलब कैसे क्या करा है कि यहाँ पे अपना भाई इंडियन फ्लैग लगाया हुआ है, मतलब डिज़ाइन करा हुआ है, वो भी उस तरीके से जैसे कि पेंटिंग। ये आप लोग देख सकते हैं पेंटिंग करी है, मतलब कैसा है कैसे नहीं भाई, कैसे कर दी उन्होंने कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि पहाड़ भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फिसलन वाला है। अब ये तो इस बारे में हमें पता नहीं, लेकिन इंडियन फ्लैग वहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है जी। बाकी अब चलते हैं नीचे, देखते क्या होता क्या नहीं, ठीक है। व्यू अच्छे देखने को मिले हम यहाँ पे हमें, और बुद्ध जी की हमारी मूर्ति भी यहाँ पे, स्टैचू बहुत अच्छा देखने को मिला, ठीक है। चलते आगे को। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए थे ऊपर से नीचे, और बाकी गाड़ी में हम लोग बैठ रहे हैं और देखते हैं भाई काजा में रुकने का प्लान है। यहीं अपना कैंप वगैरह लगाते हैं और खाना पीना भी यहीं कहीं होगा, ठीक है। और मॉनिटरीज वगैरह भी हमने बहुत सारी देख ली है, काफ़ी अच्छी अच्छी देखने को मिली, ठीक है। और ज़्यादा ऊपर नहीं है, बाकी ड्रोन शॉट को लेके भाई वही मज़ा आता, ड्रोन शॉट में मैं आप लोगों को देख ले पाता हूँ, पर ड्रोन है नहीं भाई, आने वाले टाइमों में जल्दी लेंगे उसको भी, और अच्छे अच्छे शॉट भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ के, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऑफ सीजन में घूम रहे हैं, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और नीचे ही जो पब्लिक थी वो सारी सारी थी भाई, शादी ब्याह हो रहा नीचे इसलिए। और हमारी कार ये है, थोड़ा यूटर्न वगैरह ले रहे हैं, रोल्ड है गाड़ी को, तो यहाँ से भाई अपना काजा है, नीचे पूरा पूरा काजा ही है। यहाँ पे हम लोग रुक के कहीं कैंपिंग वगैरह करेंगे खाली जगह पे, ठीक है, वहीं खाना पीना बनाएंगे अपना बढ़िया से आज, और देखते कैसा रहेगा। बाकी कैंपिंग लगाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे भाई मनाली के लिए कल सुबह की टाइम, ठीक है जी। और देखते हैं अभी कैसा रहता है कैसा नहीं, ठीक है। फुल वीडियो को इन्जॉय करो, हम लोगों को भाई बहुत इन्जॉय करा, अच्छा लगा, मज़ा आ गया बहुत, ठीक है जी। चलते आगे लोग। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा भाई आगे काजा से निकलने के बाद मनाली का रास्ता हमने पकड़ा है, और हमें काजा के बीच में मतलब एक मोनेस्ट्री पड़ जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने ब्लॉग में देखी होगी, लेकिन यार हम लोगों से गलती हो गई, हमारे एक रास्ता वहाँ से जा रहा था और हमने ले लिया भाई मनाली वाले रास्ते लिए। तो बाकी वो मोनेस्ट्री बहुत ज़्यादा जानदार है, आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये ऐसे भाई आप लोगों ने अक्सर बहुत ब्लॉग में देखा होगा, ये मोनेस्ट्री बहुत ही जानदार भाई, फेमस है बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ तक पहुँचना था हमें, पर भैया पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता दूसरा बहुत ज़्यादा साइड से वो रास्ता, और हम लोगों को यहाँ से आना पड़ रहा है, ठीक है जी। और बाकी हम लोग कैंपिंग वगैरह भी लगाने की सोच रहे थे, तो कैंपिंग के लिए ये था यार कि हम पानी के लिए पीछे पड़ेंगे, पानी में बर्तन वर्तन धोने पड़ेंगे, और पानी खाना पीना बनाने के लिए चाहिए, लेकिन हमारे पानी है, लेकिन पीने वीने के लिए पानी है अच्छा खासा, वैसे तो काफ़ी पेटी वेटी ले रखी है, लेकिन यार अभी हम लोग कैंपिंग के लिए सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं, लेकिन वहाँ पे भी नदी बह रही है, लेकिन यहाँ बहुत नीचे है, ये देखो भाई बहुत नीचे बह रही है ये भी, और जिसमें कि भाई गाड़ी तो हम लोग काफ़ी नीचे ले आए उतार के, यहाँ से चढ़े थे अभी हम लोग ऊपर, ठीक है जी। और बाकी हमारे दानिश भाई तो जाए जा रहे हैं, वो सामने जा रहे हैं, वो एक मॉनिटर की पिक्चर क्लिक करने के लिए, क्योंकि वो कुछ अलग ही है, बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है वो। और आप लोग मेरे ब्लॉग को प्यार दोगे तो भाई अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, स्पीति राइड भी आप लोगों को मिलेगी, लेकिन ना मिलेगी बाइक से, क्योंकि थोड़े थोड़ा भाई जल्दी जल्दी टाइम बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे ब्लॉग देंगे, और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी सिर्फ एक ट्राई है ब्लॉग को लेना हमारे लिए, और उन चीज़ों को भी वहाँ तक भी एक दिन मंजिल होगी जो हम एक बार दोबारा आएंगे, ठीक है। और बाकी आगे देखते हैं, अभी रास्ता उधर को ही जा रहा है, थोड़ा सा वहाँ दिख गया तो आपको थोड़ी सी और अच्छी फुटेज दिखाएंगे, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे दानिश भाई तो बहुत दूर पहुँच गए रहते थे, वो देखो वो हो रहे दानिश भाई हमारे। और बाकी ठीक है, देखते कैसा रहता है कैसा नहीं, कैंपिंग यहाँ करनी है नहीं करनी, या फिर आगे चलते हैं देखें। और बाकी अभी फोटो वोटो क्लिक करके आ रहे हैं, हमें थोड़ी रील वील बना रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों अभी अभी प्लान एकदम से चेंज हो गया, और हमारे दानिश भाई भी आ गए, और हमने भाई यहीं पर ही कैंपिंग का काम कर लिया है, कि कैंप यहीं लगा दिया है, और खाना पीना भी यहीं बना लिया है, मतलब बनना स्टार्ट हो जाएगा, बना नहीं अभी। और ना यार इतनी हंसी मजाक वाली बात हो रही है यहाँ पे ये हंगामा चल रहा है यहाँ पे इस टाइम, कि ये हमारे सोहेल भाई ना गाड़ी तो चलाने आती है, लेकिन उनके कहने पे नहीं चला रहे दानिश भाई की, कभी त्रिपाल कभी उधर ही कभी इधर, यार मतलब बहुत ज्यादा झमेला कर रखा है इन्होंने सोहेल भाई ने, और दानिश भाई की शक्ल देखो कल उसे बहुत मजा आ रहा है यार। और भाई यहाँ पे कोई नहीं है इस टाइम,
हमारे सिवा कोई नहीं है यहाँ पे, और पूरा व्यू देखो भाई यहाँ का, ऐसा कुछ ऐसी। और खाने पीने में अंडे अंडे भी बन रहे हैं, दूध है, एक पकौड़ी सकोड़ी बनेगी, मतलब यहाँ पे सारा सेटअप बना के अच्छे से खा पी के भी और कुछ अपना कैरी करके और निकल जाएंगे भाई मनाली के लिए, ठीक है। और आज ट्रिप मेरे ख्याल से मनाली की होने वाली है, और बाकी सारा सेटअप बढ़िया है, और अब बहुत हंसी मजाक वाली बात हो ये बंदा वाला सोहेल भाई थोड़ा हंसी है यार, इसे बंद करो यार। तो बस यही आप फटाफट से तिरपाल बांधते हैं, तिरपाल के भाई गर्मी बहुत, धूप बहुत ज़्यादा है, पर हवा चल रही है, धूप बहुत तेज है, ठीक है भाई। खाना वाना बनाते हैं बढ़िया से, तिरपाल को बांध लिए, ठीक है, और खाना वाना के इन्जॉय करो, खाना वाना बनाते हैं फटाफट से, ठीक है, और खाएंगे पियेंगे बढ़िया से। तो ये है हमारा सोहेल भैया जो बना रहे आमलेट, तेल इतना डाल ले, इतना डाल ले कि हालत खराब हो रही है, और भाई हवा बहुत तेज है यार, तिरपाल भी उड़ गई, देखो टूट गई पूरी तिरपाल भी वहां से, मतलब सारे, और मुझे लग रहा कैंप की डंडी अंडी टूट गई होगी यार। और ये खिलाड़ी आदमी हमारे, अंडे में नमक मिर्च कभी नहीं पता है कि कैसे क्या डालना है। और यार बहुत बुरा हाल हो रहा है, यहाँ से निकलना चाहिए हमें, और हम लोग ना भाई सारा सामान ये ऐसे फैला पड़ा है, ठीक है, और भाई एडवेंचर करना है बाहर, तो मतलब हालत तो यार खराब हो ही जाती है, ठीक है। और बाकी यही है कि खाना पीना हम खा पी के बढ़िया से, और दूध वूध भी पी के निकलेंगे, पड़ी है बहुत सारी दूध की थैलियाँ हमारे पास ये पैकेट वाले, ठीक है। और ये सब करने के बाद हम मनाली के लिए जा रहे हैं, और मनाली बड़ा बस ज़्यादा से ज़्यादा 180 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है जी। और बहुत अच्छा लगा वैसे, एडवेंचर अच्छा लगा, इस वीडियो को मनाली पे एंड करेंगे, ठीक है, देखते कैसे रोड और वाटर क्रॉसिंग वगैरह भी कुछ देखने को मिलती है तो वो भी देखेंगे, ठीक है जी। अभी निकल जाएंगे, दिन दिन में व्यू अच्छा मिलेगा, रात हो जाएगी फिर ज़्यादा अच्छा व्यू, फिर कुछ मिलता ही नहीं है, फिर अंधेरा अंधेरा रहता है, 0 वाट के बल्ब नहीं होते यहाँ पे भाई, ठीक है जी। और बाकी ये हमारे अंडे का आमलेट बना ही रहा है, और खा पी के निकलते हैं, ठीक है जी। सो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भाई अटल टनल, और ये देखो भाई मेरे पीछे, कसम से भाई अल्टीमेट, मतलब अटल टनल ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई यहाँ पे, और इसका भाई मेरे ख्याल से 3-4-5 किलोमीटर के आसपास है, जो ये अपना पुल जो है ना सीधा, मतलब जो अटल टनल है अंदर से सुरंग जो है इसे पार करते हुए जाना है, और कसम से अल्टीमेट है, और बहुत ही जानदार बना रखा है ये सच में, आप लोग देख सकते हैं, ये देखो अटल टनल, ओ माय गॉड। तो भाई मतलब बहुत मजा आ रहा है, देख के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत यहाँ का रोड वगैरह का व्यू देखो, काफ़ी अच्छा है देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छा है। स्टॉप और चेकिंग, लाहौल स्पीति पुलिस वेलकम यू, ठीक है जी, ऐसा ऐसा कुछ है, और ये है भाई अटल टनल, मज़ा आ गया, क्या बात है, ये देखो भाई काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है भाई ये, बहुत अच्छा है, बहुत ही जानदार, और भाई ऐसा कुछ है भाई, देखो अंदर यहाँ पे अपना मेन नेम भी चल रहे हैं, और ये देखो भाई ट्रक व्रक जा रहे हैं मस्त एकदम बढ़िया से, ये भाई इसमें से होते हुए निकलेंगे हम भी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अटल टनल हम लोग आखिर आ ही गए, बहुत बढ़िया भाई, देखो क्या बात है, ये देखो भाई, चलो एक आधी हम भी फोटो वोटो क्लिक कराते हैं और फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, ठीक है जी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे सभी भाइयों को, और भाई रात को टाइम ज़्यादा होने के कारण हम लोगों ने भाई रूम बुक किया, जो कि भाई रात को टाइम होने का 1, और भाई ऑनलाइन बुकिंग होने पा रही थी, तो रास्ते में एक भाई मिल गया हमारे, जो कि मनाली में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे भाई सही होते हैं, और बाकी वहाँ पे भी एक बंदा मिल गया, जिस बंदे ने हमें अपना एक रूम दिया भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब ज़्यादा प्राइस भी नहीं था, सही था, मैंने चलने में लोगों ने और बहुत बढ़िया रूम है, बस आप लोग देख सकते हैं ये देखिए, ठीक है जी। और मैं आप लोगों को एक अच्छा सा व्यू भी देता हूँ आप लोगों को बाहर का, तो मनाली का कुछ ऐसा व्यू है बाहर का, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मनाली हमारी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, और मैं इसकी प्रॉपर वीडियो दूंगा फुल राइड के साथ, अपनी बाइक स्प्लेंडर या कोई भी मतलब जो बाइक होगी उसके साथ हम इसको राइड करेंगे, फुल एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है जी। और बाकी अब यही है कि भाई हम मनाली का आप लोगों को ही इसका प्रॉपर वीडियो आप लोगों को अगर चाहिए
तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है जी। और मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो भी लेके आऊँगा जरूर, और बहुत जल्दी, वो भी अपनी बाइक राइड से, ठीक है जी। क्योंकि वो चीज़ भाई अलग होने वाली है। ये थी हमारी कार के साथ राइड, जो कि भाई हमने दिल्ली से शिमला खींची एंड अपना करी भाई मनाली। तो मनाली भाई यही है कि हम इधर आप लोगों को वीडियो में कर रहा हूँ एंड, और आप लोग बताओ अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को और भी प्रेस करो, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मुझसे पहले मिल जाए। और मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और अगर ये आप लोग वीडियो अच्छी लगी, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है जी। और आप लोगों ने ऐसे ब्लॉग्स देखने मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों भाई ये है सील की, भाई वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हम आए हैं मनाली में एक वाटरफॉल देखने की। भाई मतलब हम घर ही जा रहे थे दिल्ली अपनी, लेकिन यार उससे पहले एक वाटरफॉल मिल गया, मतलब हमने नेट पर सर्च किया तो भाई मतलब मनाली में जो वाटरफॉल है ना यार, कसम से एक नंबर अल्टीमेट है यार। पीछे देखो मेरे सामने यार, ओए होए गदर है भाई। और इधर का व्यू देखो, काफी लोग आते हैं, फेमस जगह है बहुत ज्यादा ही। ये देखो भाई यहाँ का व्यू, मान गए भाई यहाँ पे, और एक नंबर यार। देखो कहाँ तक जा रहा पहाड़ भाई, ओए होए। ये है भाई व्यू यहाँ का, और हम अभी टॉप पे जाएंगे वहाँ पे और फोटो वोटो क्लिक कराएंगे, आप लोगों को यहीं से दिखा देता हूँ, ठीक है जी। और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और अपना ख्याल रखो, ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे एक से एक। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है जी। और एक कैप ली थी मैंने, ये मात्र 200 रुपये, बहुत अच्छी है भाई, लद्दाख वाली बहुत अच्छी कैप है, मज़ा आ गया। फोटो वोटो क्लिक करेंगे अच्छी, और इंस्टाग्राम पे मिलेगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय।